Hello friends, welcome to my channel. Here we are going to start features of Indian Constitution. Features of Indian Constitution mains के लिए बहुत important है. ये या तो दो line में पूछ सकता है या फिर 100 words में भी ये question आ सकता है. इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारा संविधान का नेचर कैसा है, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और कहाँ कहाँ से ली गई हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर किया था, आपको याद होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी आप उसे देख लें. सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पॉइंट से. यहाँ पे लिखा हुआ है इनएक्टेड रिटन एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लागू किया गया रिटन यानी लिखित, एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है काफ़ी वाइड या फिर काफ़ी बड़ा. तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि हमने इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स अडॉप्ट किए हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स लिए हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, काफ़ी वाइड हो गया है. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे यहाँ 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे. बट अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 450 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 24 पार्ट्स हैं. ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक फैक्ट है जो लोग पढ़ते नहीं हैं और भूल जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में आता है तो उन्हें याद ही नहीं रहता एग्जैक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान की प्रधानता, यानी हमारे कंट्री में जो भी होता है, या फिर या तो वो पीएम की अपॉइंटमेंट हो गई, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हो गई, लोगों के लिए स्कीम्स लाना, प्रोग्राम्स लाना, छोटी से लेके बड़ी चीज़ जितनी भी होती है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर होती हैं, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होती है. इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, यानी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है. थर्ड टॉपिक है हमारा मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी. रिजिड का मतलब होता है कठोर, एंड फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आसानी से चेंज किया जा सकता. तो हमारे यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरा रिजिड है और ना ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है. वो ऐसा कह सकते हैं हम कि जो हमारे यहाँ रूल्स एंड लॉज बनते हैं वो बनाना थोड़ा सा रिजिड होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल हम इस कंटेंस में कहेंगे कि वो हम चेंज कर सकते हैं. यानी हमारे यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज इनैक्ट किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो बदले जा सकते हैं, बट एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग. वो प्रोसीजर टफ होता है यानी रिजिड होता है, वो वैसा ही होना चाहिए, यानी पहले सदन में आएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा बिल, फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पारित होने के बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया तभी वो एक्ट बनता है या फिर वो निल हो जाता है, यानी वॉइड डिक्लेयर हो जाता है. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी ये दोनों का मिश्रण है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ टॉपिक है हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी वेज. ये इसका मतलब क्या होता है, यूनिटरी वेज का मतलब होता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, जहाँ पे सेंट्रल से ऊपर कुछ नहीं होता, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है, स्टेट का इम्पोर्टेंस कम होता है. जबकि हम फेडरल देखेंगे तो फेडरल में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें पावर्स सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिवाइड होती है. वो सेंट्रल की पावर ज़्यादा होती है कुछ इम्पोर्टेंस कुछ मैटर्स में, बट स्टेट की भी अलग इम्पोर्टेंस होती है. तो ये हमारे यहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है विथ यूनिटरी वेज, यानी हमारे यहाँ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो ज़्यादा पावरफुल है देन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट. तो ये हमारे यहाँ दोनों का मिश्रण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. फिफ्थ टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम. सबको पता है कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है जो कि हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इसमें पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है, यानी दो सदन, एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस. लोअर हाउस के बाद हमारा प्रेसिडेंट होता है, यानी हम देखेंगे जैसे ये पार्लियामेंट है हमारे यहाँ संसद जो कि हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है, पार्लियामेंट हम देखेंगे यहाँ पे, यह संसद हमारी, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं. इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, यानी पहला क्या होता है सबसे ऊपर, अपर हाउस, लोअर हाउस और यहाँ पे प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट भी संसद का पार्ट होता है. जो हमारे यहाँ पहला बिल आता है वो लोअर हाउस में लाया जाता है, फिर अपर हाउस में आता है, देन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो एक्ट बन जाता है. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ही कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट.
नेक्स्ट है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, चाहे वो जजेस के अपॉइंटमेंट हो या फिर उनका रिमूवल हो। इसमें किसी भी तरह का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप अलाउ नहीं होता। ये सब डायरेक्ट प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और रिमूव भी उन्हीं द्वारा किए जा सकते हैं। स्टेट में हम देखेंगे गवर्नर जो होता है वो नियुक्ति प्रदान करता है और प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो डायरेक्ट हाई प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोवरेन स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है कि हमारा जो नेशन है, हमारी कंट्री है, वो ना ही किसी अदर कंट्री पे डिपेंडेंट रहेगी। यानी जैसे पहले ब्रिटेन का यहाँ पे शासन चलता था, ब्रिटेन अधीन भारत था, तो वो ना हो के वो हर तरह से स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट है, किसी भी अदर कंट्रीज़ पर वो डिपेंडेंट नहीं है। अब वो अपने जितने भी कंडक्ट होते हैं, यानी इंटरनल अफेयर हो चाहे एक्सटर्नल अफेयर हो, तो उनको वो सॉल्व करने के लिए वो खुद ही क्या है, जिम्मेदार है। वो किसी अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपने नियम कानून स्वयं बनाएगा और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपने अकॉर्डिंग चलेगा। इसका मतलब यही होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि ज़्यादातर 2 नंबर में या फिर 100 वर्ड्स में लिखने को आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब बहुत लोग नहीं बता पाते, मैं आपको क्लियर बताती हूँ। डेमोक्रेटिक 2 टाइप की होती है, पहला तो डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब हम देखते हैं तो डायरेक्ट में क्या होता है, लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं पावर्स की, यानी अपॉइंट नहीं करते, इलेक्शन नहीं होता, वो खुद ही अपने कानून और नियम बनाते हैं, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है। इनडायरेक्ट में हम देखेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल जो होते हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं दूसरे पीपल के थ्रू, यानी इलेक्शन। यहाँ पे सेकंड पीपल है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इसको ये लोग पीपल जो होंगे लोग मिलके इलेक्ट करेंगे और इसके द्वारा ही अपने मांगे पूरी करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ देखेंगे, हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो ये हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, जहाँ की लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो उनके लिए क्या करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए कानून बनाते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। 10th पॉइंट हमारा सोशलिस्ट स्टेट यानी समाजवाद। समाजवाद यानी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे समाजवाद का मतलब समाज नहीं है। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है अडॉप्शन ऑफ मिक्स इकोनॉमी, यानी यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन होंगे वो गवर्नमेंट के अंडर में पूरा नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लिए हैं, बाकी सब यानी ओपन फॉर ऑल इंटरप्रेन्योर्स, यानी सबको अलाउ करना प्रोडक्शन के लिए, यानी हर व्यक्ति प्रोडक्शन कर सकता है गुड्स का, सर्विसेज का, चाहे वो कोई सी भी हो, अंडर गवर्नमेंट प्रोसीजर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी सेक्टर ओपन किए जाएँ। आपको पता है 5 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं पहले थे जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन नहीं थे, लेकिन अब वो ओपन कर दिए गए हैं। बाकी हम देखेंगे डिफेंस और ये ऐसे फीचर्स जो होते हैं एटॉमिक सेक्टर्स वाले, तो वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं। मिक्सड इकोनॉमी अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हम कानून बना रहे हैं तो वो वेलफेयर पीपल के लिए होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा अपने अंडर कर लेती है तो लोग क्या होंगे, निराशाजनक हो सकते हैं, वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी इंडिया में मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट की गई, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल में इसे किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया है तो आपको पता होना चाहिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसे जोड़ा गया है 1976। नेक्स्ट है हमारा सेकुलर स्टेट। इसे भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। इसमें प्रियम्बल में ऐड किया गया था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर दोनों ही वर्ड जोड़े गए थे प्रियम्बल में। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का क्लियर मीनिंग होता है कि सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना। इंडिया ने सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, जिसमें कि सभी धर्म होते हैं, मतलब ऑल रिलीजियस इन अवर कंट्री हैव द सेम इक्वल एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब सेम जो होगा वो सपोर्ट
किया जाएगा स्टेट द्वारा, सेम स्टेटस दिया जाएगा, यानी सभी धर्म को बराबर समानता दी जाएगी, इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सब इक्वल हैं, सब धर्म को बराबर दर्जा दिया गया है। तो ये हमारे यहाँ सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। आप सबको पता है सिंगल सिटीजन मतलब होता है एक सिंगल होता है, एक डुअल होता है। सिंगल मतलब एकल नागरिकता, डुअल यानी डुअल नागरिकता यानी दो नागरिकता। यूएसए में हम देखेंगे तो स्टेट की अलग होती है और कंट्री की अलग नागरिकता दी जाती है, जबकि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, यानी हम क्या हैं, इंडियन हैं, एक ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के हैं तो हम महाराष्ट्री हैं, हम मध्य प्रदेशी हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ सिंगल कॉन्सेप्ट चलता है, सिंगल सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता, हम भारत के सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से ली है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब ये इतने सारे पॉइंट्स होने के बाद हम मेंस में इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, ना ही इतना टाइम रहता कि आप 100 वर्ड्स में इतना सारा लिख पाएँ। तब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हमें कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताती हूँ। मेनली हम देखेंगे ये सब पॉइंट्स जो हैं वो सब लिख देंगे, सबको पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये है एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको लिखना है सबसे अलग, सबसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे 5 पॉइंट बनते हैं, पहला तो ये, सेकंड डेमोक्रेटिक, थर्ड रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर। बस ये 5 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो ये आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यही फीचर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट है कि हमारे यहाँ का संविधान कैसा है। पहला तो हम देखेंगे डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है यानी हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, मोनार्की सिस्टम नहीं है। थर्ड हम देखेंगे सोशलिस्ट समाजवाद, जैसा मैंने आपको बताया था इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसका मतलब ये है और इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया 1976 में। तो इतना पॉइंट अगर आप कवर कर लेते हैं 5 पॉइंट में तो आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। सेकुलर स्टेट है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, बाकी पहले आपको याद रहे चाहे ना रहे। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है या फिर आप कम पॉइंट्स में क्लियर करना चाहते हैं तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। बट हम देखेंगे कि अगर आप थोड़ा डिफरेंट लिखना चाहते हैं या फिर आप बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में फीचर क्या है, तो आप ये 5 पॉइंट कवर कर सकते हैं, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसको लिखने के बिना। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके आगे होगा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम देखेंगे, मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे। बट उसके पहले मैं बता दूं, कुछ लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो उसका वीडियो में भी मैं आपको बना दूंगी। एंड कुछ लोगों ने बोला था कि आपके वीडियो में कॉपी के टेस्ट जो हैं वो क्लियर नहीं दिखते, ब्लर हो जाते हैं। तो एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम फ़ोन के कारण हो रही है, मैं फ़ोन के थ्रू ही वीडियो बनाती हूँ डायरेक्ट, तो वो थोड़ा सा हिलने की वजह से जो टेस्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। उसके लिए मैं अभी PPT प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आई विल मेक श्योर कि मैं जल्दी से जल्दी उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।